हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न मैथ्स। प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ एक्सरसाइज 7A, दैट इज फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 19 इज ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर। Right friends, now we will see how we will make the factors. Right friends, देखिए इसमें और इसमें b है और इसमें और इसमें c है, तो ए बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। राइट फ्रेंड्स, तो अब हमारा क्या है, ये इसमें से हम ए बी कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, ये हमारा b माइनस वन। राइट फ्रेंड्स, अब इसमें से हम सी स्क्वायर कॉमन लेंगे प्लस माइनस सी स्क्वायर कॉमन लिया तो ये क्या बच गया, बी माइनस वन। राइट फ्रेंड्स, तो ये क्या आ गया, ए बी माइनस वन कॉमन और ए बी माइनस सी स्क्वायर इज द आंसर। राइट फ्रेंड्स, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ एक्सरसाइज 7A, दैट इज फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 20 इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड। राइट फ्रेंड्स, अब इन दोनों में से देखिए एक्स कॉमन लिया तो ये क्या बच गया, एक्स माइनस जेड। राइट फ्रेंड्स, इन दोनों में से वाई कॉमन लिया प्लस वाई तो क्या बच गया, एक्स माइनस जेड। तो आंसर क्या आ गया, एक्स माइनस जेड कॉमन आ गया और क्या बच गया, एक्स प्लस वाई इज द आंसर। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ एक्सरसाइज 7A, दैट इज फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 21 इज 6AB माइनस बी स्क्वायर प्लस 12AC माइनस 2BC। राइट फ्रेंड्स, तो अब इन दोनों को देखें तो क्या है कॉमन, और या इन दोनों को देखें। राइट फ्रेंड्स, तो इसमें से क्या निकला, बी कॉमन निकल गया तो क्या बचा, 6A माइनस बी। इन दोनों में से प्लस 2C कॉमन निकला तो क्या बचा, 6 12 A माइनस 1 B। राइट फ्रेंड्स, 1B लिखो या B लिखो, वन एंड द सेम थिंग। तो 6A माइनस B कॉमन निकला, 6A माइनस B, तो क्या बच गया, B प्लस 2C इज द आंसर। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ एक्सरसाइज 7A, दैट इज फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 22 इज एक्स माइनस 2Y का होल स्क्वायर प्लस 4X माइनस 8Y। राइट फ्रेंड्स, तो देखिए एक्स माइनस 2Y का होल स्क्वायर एज इट इज रखा, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है। देखिए 2 कॉमन निकला तो क्या, 4 कॉमन निकलेगा, 4 कॉमन निकला तो ये क्या बचा, एक्स माइनस 2Y बचा। राइट फ्रेंड्स, अब एक्स माइनस 2Y यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है तो कॉमन निकल गया एक्स माइनस 2Y, तो क्या बचा अंदर ब्रैकेट में, अंदर ब्रैकेट में एक तो एक्स माइनस 2Y ये वाला बचा प्लस 4 ये वाला बचा। राइट फ्रेंड्स, तो एक्स माइनस 2Y और ये कितना हो गया, एक्स माइनस 2Y प्लस 4 इज द आंसर। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ एक्सरसाइज 7A, दैट इज फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 23 इज वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई वन माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब। राइट फ्रेंड्स, अब देखिए अब इसको खोल लेंगे ब्रैकेट को तो ये आ गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब। राइट फ्रेंड्स, अब इन दोनों को एक साथ लिया तो इसमें से क्या निकला कॉमन, वाई कॉमन निकल गया तो ये क्या आ गया, वाई माइनस एक्स अंदर बच गया प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो वाई माइनस एक्स कॉमन बच गया। तो ये क्या आ गया, वाई माइनस एक्स इसके साथ भी है इसके साथ भी है तो वाई माइनस एक्स ये आ गया वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज द आंसर। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 24th ऑफ एक्सरसाइज 7A, दैट इज फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 24th इज ax प्लस by का होल स्क्वायर प्लस bx माइनस ay का होल स्क्वायर।
राइट फ्रेंड्स. अब इस केस में कुछ भी ऐसे कॉमन नहीं निकल सकता, तो हम इसका स्क्वायर खोलेंगे. ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, राइट फ्रेंड्स. और ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, राइट फ्रेंड्स. तो इसको खोला तो ये क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए बी एक्स वाई, राइट फ्रेंड्स. उसको खोला तो ये आया बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू ए बी एक्स वाई, राइट फ्रेंड्स. अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो गए, तो ये आ गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट फ्रेंड्स. अब ए वाली टर्म्स एक साथ, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, राइट फ्रेंड्स. इसमें से ए स्क्वायर कॉमन निकला तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया. इस इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन निकला तो ये आ गया वी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट फ्रेंड्स. अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन आ गया तो अंदर क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज द आंसर. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 25th ऑफ एक्सरसाइज 7A, दैट इज फैक्टराइजेशन. क्वेश्चन नंबर 25th इज ए बी स्क्वायर प्लस ए माइनस वन बी माइनस वन, राइट फ्रेंड्स. अब इसको हम खोलेंगे, ओपन करेंगे ए बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी माइनस वन, राइट फ्रेंड्स. अब इन दोनों में से ए बी कॉमन निकल रहा है तो ये क्या बचा, बी प्लस वन. यहाँ से माइनस वन कॉमन निकाला क्योंकि दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है, तो वन कॉमन निकल गया, तो ये क्या बचा, बी प्लस वन. तो आंसर इज ए बी माइनस वन एंड बी प्लस वन इज द आंसर. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ एक्सरसाइज 7A, दैट इज फैक्टराइजेशन. क्वेश्चन नंबर 26 इज एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री, राइट फ्रेंड्स. अब इसमें से देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन निकल रहा है तो क्या बचा है, एक्स एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर निकाला तो एक्स बचा माइनस थ्री. इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स प्लस वन. यहाँ माइनस वन हमने इसलिए निकाला दोनों में माइनस था, राइट फ्रेंड्स. इसमें एक प्लस एक माइनस है तो प्लस वन कॉमन निकाला, एक्स माइनस थ्री. तो क्या आ गया, एक्स माइनस थ्री और एक्स स्क्वायर प्लस वन इज द आंसर. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 27 ऑफ एक्सरसाइज 7A, दैट इज फैक्टराइजेशन. क्वेश्चन नंबर 27 इज ए बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट फ्रेंड्स. अब हम इसको ओपन कर लेंगे ब्रैकेट तो ये आया ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई, राइट फ्रेंड्स. अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक्स स्क्वायर एक्स वाली टर्म्स एक साथ, तो ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई एक साथ प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई एक साथ. तो इसमें से क्या कॉमन निकल गया, एक तो ए कॉमन निकल रहा है, एक एक्स कॉमन निकल रहा है, राइट फ्रेंड्स. तो क्या बच गया, ए निकल गया और एक्स निकल गया, तो बी एक्स बचा माइनस, इसमें से ए निकल गया, ए के बचा और वाई बचा, राइट फ्रेंड्स. प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, बी निकल रहा है वाई निकल रहा है, तो क्या बचा, ए वाई बचा माइनस बी एक्स बचा, राइट फ्रेंड्स. तो आप देखिए यहाँ पे ए वाई यहाँ पे है बाद में और यहाँ ए वाई प्लस का है, यहाँ ए वाई माइनस का है, तो हम इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए एक्स बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई किया तो अंदर के चेंज हो गए तो ये आ गया माइनस ए वाई प्लस बी एक्स, राइट फ्रेंड्स. तो क्या आ गया, ये हमारा ये दोनों सेम हो गए, बी एक्स माइनस ए वाई बी एक्स माइनस ए वाई, तो बी एक्स माइनस ए वाई एक फैक्टर हो गया और दूसरा फैक्टर हो गया ए एक्स माइनस बी वाई इज द आंसर.
Let's do question number 28 of exercise 7a, that is factorization. Question number 28 is x square minus x, a plus 2b plus 2ab. Right friends? तो अब हम इस ब्रैकेट को खोल लेंगे, x square minus ax minus 2bx plus 2ab. Right friends? तो अब इन दोनों में से देखिए x कॉमन आया तो क्या बचा, x माइनस a बच गया. इन दोनों में से माइनस का 2b कॉमन आया तो ये क्या बच गया, x माइनस a बच गया. यहाँ माइनस कॉमन भाग लिया तो प्लस कब बनेगा, माइनस माइनस प्लस बच जाएगा. तो x माइनस a और x माइनस 2b इज द आंसर. Thank you. If you understand the step-by-step solution of this video, please subscribe my channel on Maths and share it with your friends. Thank you.